বাহ বাহ রে প্রীতম বাবু। और आज रिकॉर्डिंग एगो भी रहा क्रांतिकारी भी रहा गायक कलाकार ज्ञानी यादव इन पार्टी की आवाज में माँ विंध्यवासिनी रिकॉर्डिंग सेंटर और यूट्यूब चैनल म्यूजिक टेन के सौजन्य से भाई विशाल यादव सोनू यादव और जसवंत यादव की देख रेख में हारमोनियम पर प्रीतम जी ढोलक पर राजू और कोरस पर हमारे भाई कृष्णकांत और एक भाई हमारे और हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ मालिक आपको बनाए रखे लेकिन बड़ी खतरनाक गीत प्रीतम भैया बजावत हूँ। एगो प्रेमी प्रेमिका के दिल के दर्द हो प्रेमी कहत बा का कहत बा कौनो दिनवा कौनो दिनवा सिका दरिया ज्ञानी हो हमसे मिलबू हमार वो जईबू कौनो दिनवा शिकार हो जईबू तनी हो छोटी सी कहानी क्रांतिकारी वीरस की कहानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा उनके बचपन की यादगार कहानी मैं आप लोग के बीच में पेश कर रहा हूँ। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपना आशीर्वाद प्यार जरूर देंगे। भूमिका भाव मास्टर ताने तिरंगा वतन के दीवाने बिगुल क्रांति का जंगी बजा देंगे यारो गोरी दुल्हन को दिखा करके जलवा तर्जनी पर नचा देंगे यारो उठी गर निगाहें फिरंगी वतन पर बगावत की आंधी उड़ा देंगे यारो मही पाट कर भंग लाशों से हरी के तांडव प्रजय की मचा देंगे यारो
वहीं पाट कर भंगला सो शेर के तांडव प्रचय प्रलय की मचा देंगे यारो। ऐसा जज्बात उसमें रहल। एक लाइन प्रीतम वह जज्बात वाली गीत लगत है, देश वाली गीत लगत है। मेरी जान जाए किसी दीवाने ने कहा है, देश के दीवाने ने। मेरी जान जाए वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, अगर ये खून का कतरा कतरा कहीं गिरे तो इस देश के लिए गिरे, इस चमन के लिए गिरे। इसलिए कहना है कवि का भाव है कि मेरी जान जाए मेरी जान जाए वतन के लिए, नहीं दिल में हसरत कफन के लिए। कफन के लिए इस दिल में हसरत नहीं है। अगर कोई सोच है, कोई विचारधारा है तो इस देश के लिए है। कहानी की शुरुआत भई धने जब भानु भुवन अंधकार होता है, अंधेरी रात में दीपक प्रकाश होता है। लेकिन ए भैया प्रीतम, सपूत कैसे न होए के चाहिए। वही सपूत जो सोना बना दे पानी को, वही सपूत जो सोना बना दे पानी को, मही कराहती धिक्कार है जवानी को। कसी जंजीर में जननी का दिल उदास हुआ, कसी जंजीर में जननी का दिल उदास हुआ, पैदा बंगाल में तब सूरमा सुबास हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यवस्था थी और हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। उसी समय एक सूरमा का जन्म हुआ, शेर सपूत का जन्म हुआ,
जिसका नाम उनकी माता ने रखा सुभाष चंद्र बोस। देख लाइन यहाँ पर गीत बदलत बा। जैसे मैं सुभाष चंद्र बोस स्कूल में शुरुआती समय पढ़ाई करे जात हूँ तो उनकर माई उनके का ज्ञान देले इन तर्ज बदल गए। तर्ज है लेकिन भाव लगल गा माई सिखावत हो। सुभाष चंद्र बोस के माई सुभाष चंद्र बोस से कहथिन का कहथिन कि रहे बाला पनवा सिखाव माई ज्ञानवा मार बबुआ। माई कहनी ए बेटा अब तुहार शिक्षा दीक्षा शुरू करौली है लेकिन एक बात नोट कर ली है काम मनवा का हमारे यार मनवा हमार बबुआ। राख दे सबा कसनवा हमार बबुआ। शिक्षा दीक्षा पूरी करला लेकिन एक काम इतने करया शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाए ता अपन दिल दिमाग जवानी केहर लगेबा इ देश की ओरी कहेस की देश का बहुत बड़ा कर्जा हमन के ऊपर हो। कहत हैं कैसे सिखावत हैं कर्म करता बिजो लहू में बहावे। वही का इतिहास गुणगान गावे अरे मटिया में मिल जाई है मटिया में मिल जाई है माटी चट्टानवा हमार बबुआ। कहली है बेटा शिक्षक दीक्षा पूरी हो गई और करे बाद तुके पढ़ाई करे भेजे थे पढ़ाई लिखाई कर लिया लेकिन जवानी जोन हो देश बदे कुर्बान कर दिया। खा के नहैले खैले एक थरिया खा के सूत गईले कौनो नाम ना होई। नाम होई तो कैसे होई इस देश के ऊपर बलिदान देबा या समाज के ऊपर बलिदान देबा तब जाके दुनिया नाम जमाना गाई। ऐसे केहू पूछे वाला नहीं है। तेरी में बहाव लगल मास्टर एक तब बच्चा रहलन बच्चा का मन जैसे कच्ची गगरी हो गई जैसे गड़बा जेहर मुड़बा वहर मुड़ेला हो कि ना भैया। एक लड़का के जेहर मुड़बा वहर मुड़ी माई
वतन के ओरी मोड़त हो, लेकिन भैया प्रारंभिक शिक्षा स्कूल के दरमियान भयल का सुभाष चंद्र बोस का मन माइक बात जब सुनलन है तो मन में एकदम शरीर में देश के प्रति ऐसन भावना जागल है भयल का टेरिंग भाव लगल। अरे वतन के दिल में जागी भावना कूदा क्रांति कुंड में कफन बांध कर बागी कूदा क्रांति कुंड में कफन बांध कर बागी वतन की दिल में जागी भावना। अरे वतन पर जिएंगे वतन पर मरेंगे हटेंगे न हरगज वतन के पुजारी कण कण में भर दे जो क्रांति की ज्वाला कहता जमाना उसे क्रांतिकारी भरा बेदना सिंधु छलका हृदय में भड़कने लगा जब बगावत का सोलाप सुभाष का दोस्त जिगरी सयाना वतन का दीवाना अमीर चंद बोला। वही स्कूल में सुभाष चंद्र बोस का एक हो एक छोटा सा बालेपन का संगी रहन जेकर नाम अमीर चंद रहन। सुभाष चंद्र बोस से जब बात हो अमीर चंद से तो सुभाष चंद्र बोस खाली दिल के देश के बतिये करें, देश वाली बात करें, बलिदान वाली बात करें। धीरे धीरे बात सुनत सुनत अमीर चंद के दिल में भी देश के प्रति भावना जाग गई। आए है अमीर चंद भी सुभाष चंद्र बोस के साथ देश के ऊपर बलिदान करके कसम खा गेलन, लेकिन यह तार्ज बदल गई। अमीर चंद कहले बा हे सुभाष सुना तो हरे ना हमरो दिलवा इस देश के लिए धड़काला, लेकिन तार्ज बदल गई कि कचौड़ी गली सुन कैला बलमू राजापुर के कैला गुल जार कचौड़ी गली सुन कैला बलमू अमीर चंद सुभाष चंद बोस के सिखावे लगा कलश की सुना। अरे राणा जब शिवा के मारल ख्याल करला जोन पहले के पूर्वज बार के दिया गयल हुन इस देश में वो कभो बूता है ना। अरे राणा जब शिवा के मारल बुझन दिया नवाब बलिदान आज धरती मांगले बलिदान आज धरती मोरी ले मुहावा तूफान हो मांगले बलिदान आज
धीरे धीरे समय बीतल जात बा, और वही दरमियान एक समय ऐसा आयल कि झंडा दिवस वाला त्योहार आयल। सुभाष चंद्र बोस और अमीर चंद के मन में एक बात उठल कि काहे न यही झंडा दिवस वाले त्योहार पर कुछ खेला करल जाए। तो खेला का केलन ब्रिटिश अधिकारी अंग्रेजन का अधिकारी झंडा दिवस के मौके पर वो स्कूल में आवे वाला रहल, लेकिन दोनों दोस्त मिल करके कहले का है यहाँ पर तारी बदल गई। झंडा दिवस के त्योहार तर्ज बदल गई और अंग्रेज अधिकारी आने वाला है। तमीर चंद अपने दोस्त सुभाष चंद्र बोस से कहलो कि सुनत हुआ संगी एगो अंग्रेज आए वाला बा, अंग्रेजन का अधिकारी आवल बा मन के स्कूल में, काहे नहीं पकमाल करल जाए। अमीर चंद कहलस का यहाँ पर तर्ज बदल गई। तब फिल्म का गीत रहल, लेकिन बिरहा में हमारे बाबू गौले स्वर्गीय राम यादव जी कि जैसे रोज आवालू तू तेरे सुन के जब गई बार जा तब कर जा हरिया, लेकिन भाव बा सुभाष चंद्र बोस से अमीर चंद कहत बा कि बोला बतिया अमीर भाले जान जाई है संगी भले जिंदगी चल जाई रही चाहे नर रहे, मगर एगो बात ख्याल कर। बोला बतिया अमीर भले जान जाई है नहीं जिया तिरंगावा का शान जाई है। भले ही जिंदगी रही चाहे जाई, लेकिन तिरंगा का मर्यादा जाए न है दोली। अंतरा में कहत बा का कहत बा अरे लूट जाई है जिया ते जो दे सबा का पनिया पहले बात सुन लिया देश पर जितना बागी बलिदान देने हुए ख्याल कर लिया अमर बागिन क्या पार्थ बलिदान जाई है। अगर तनको हमन मुंह मोड़ ले बन जाए तो जान लिया अमर बागिन क्या पार्थ बलिदान जाई है नहीं जीता तिरंगा बाकर साल जाई है। बागियन का बलिदान व्यर्थ ना जाए देव कलम मतलब कल चला हम बतावत थे का करे के का ना करे के है,
भयल का पापट में प्रमाण बा। अरे तुम तिरंगा सुबह सुबह अंगारा हिंद हमारा है, लगा कूजल इनकलाब का नारा हिंद हमारा है। लड़का लेके हाथ में तिरंगा, वही अंग्रेजी अफसर के सामने लहरावे लगला। भयल का अरे जन्म से आजादी हम आजाद कहलाएंगे, अंग्रेजो भारत छोड़ो वरना हम तुम्हें भगाएंगे। मास्टर साहब से कहलन प्रधानाध्यापक से कि आखिरकार हिंदुस्तानी स्कूल अति मन अंग्रेजन का कौन जरूरत है। मास्टर साहब ने विरोध किया कि बेटा तुम बच्चे हो, पढ़ने लिखने वाले हो, ऐसा मत करो। लेकिन सुभाष और अमीरचंद मल्ल नहीं कहला का चलने देंगे नहीं, चलो चारा हिंद हमारा है, सहन होगा अत्याचार तुम्हारा हिंद हमारा है। मास्टर साहब का प्रिंसिपल साहब का भी जवाब देत हूँ, लेकिन तिरंगा लेके हाथ में तन को एक कदम पीछे हटत ना हूँ। और मास्टर साहब से प्रिंसिपल साहब से एगो यही बात कहत हूँ, आलम प्रमाण है। अरे जनन कर ले वही बेटा पर कुमार, अरे जियता गिरीश कहना शीश का भुकी है, निहल सुबह से अपने मानव में ठान, बोला है सुभाष से भारत मुसकार। आए हाय बाबू हो, अंग्रेज अफसर के सामने दोनों संगी लेकर के तिरंगा लहरावे लगला। अब इतने पर अंग्रेज अधिकारी एकदम भड़क गया, भड़क गया और अंग्रेजी सिपाहियों से गिरफ्तार करवा लिया दोनों मित्रों को, सुभाष चंद्र बोस और अमरचंद को गिरफ्तार करवा के दोनों मित्रन के कोड़ा कोड़ा मरवावे लगल।
सुभाष चंद्र बोस तक कोड़ा सहत गेलन सहत गेलन, लेकिन अमीर चंद का हालत इतनी गंभीर हो गए कि अंतिम सांस चले लगल, अंतिम सांस चले लगल। सुभाष चंद्र बोस अपने मित्र अमीर चंद के लग गए, कलन कहो मित्र। अमीर चंद कलस की बाबू सुभाष एक काम इतना ही करना मेरे दोस्त, भले ही मेरी आत्मा आज हमार प्राण पखेरू उड़त है देश बदे, लेकिन जो क्रांति का आग चलल हो एक एक कभो बूते मत दिया, भले देश के ऊपर गर्दन कटा दिया, मगर देश के क्रांति की आग के ज्वाला के बुझे मत दिया। कैसे कहलस है यह चेता के गैल अमीर चंद बलिदान बीरन के जिन बुलैया बीरना बुझे न क्रांति के दियनमा जलैया बीरना। एक काम आउर करिया, निशा बितेगी बिहान होगा प्रकृति का नियम पुराना, अटल सत्य है मौत जहां में लगा है आना जाना, माना मरती दम कहनवा बचैया बीरना। मरते मरते कहत है कसम खाला आज हमले शरीर हमार आज छूट जाई, तमरे सर पर हाथ रख के कसम खा जा कि देश के आजाद करके रहबा। और उसी समय कसम खाए सुभाष चंद्र बोस और करते क्या है, अरे लगा भाल पर लहू कटी का सुभाष हुए फरार, चुन चुन के माँ के बार इनको करना लगे शिकार, हार के खो जाता दुश्मन अब बचैया बीरना। उसी समय अपने मित्र अमीर चंद के लहू का टीका लगा करके सुभाष चंद्र बोस कूद गए क्रांति की आग में और जवानों को नारा दिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मरणोपरांत मरते दम तक इस देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिए। लेकिन अंत में कोई नेताजी को पकड़ नहीं पाया कि नेताजी गए तो कहां गए। कोई घटना कहता है कि हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए, लेकिन आज तक गोरे फिरंगी भी पता नहीं पाए। आखिरी प्रतिभा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लोन रामलाल मोर ज्ञानी, रामदेव चंद्र का बिना पर सेननों से पानी, वतन की दिल में जागी भावना, ज्ञानी कभी कभी रहे सतगुरु के अनुरागी, वतन की दिल में जागी भावना।